अभी हम लोग टिहरी झील के पास में जा रहे हैं। तो चलते हैं। चलो अगर आप चंबा के पास हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, और ये चंबा से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ का जो चार्ज है वो 20 रुपए है। अगर आप टिहरी लेक के आसपास स्टे का सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे हट्स में रुक सकते हैं। एक ख़ास बात ये है कि इसका व्यू काफ़ी खूबसूरत है, और दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो आप शाम के टाइम पे कभी भी लेक के आसपास घूमने के लिए जा सकते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं टिहरी झील में, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और ये 2006 में बनके तैयार हुआ था। अगर आप ऋषिकेश के आसपास हैं तो आप यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं, और ये ऋषिकेश से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप आके बोटिंग भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे पाथवे हैं जिसमें आप चल के झील का मज़ा ले सकते हैं, और यहाँ पे बैठने के लिए कुछ बेंच भी लगा हुआ है, और आप बैठ के यहाँ पे इस झील का आनंद ले सकते हैं। ये हमारे सामने कुछ लोग क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। पहाड़ों में ऐसी बहुत कम समतल ज़मीनें नज़र आती हैं जो कि खेल के मैदान का एक रूप ले सकती हैं। ऐसी जगह लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी भी होती हैं यहाँ पे। और अब हम लोग जा रहे हैं झील के दूसरे किनारे पे, जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होता है, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी टाइम की कमी है क्योंकि हमें निकलना है। अब देखते हैं क्या करते हैं, वाटर स्पोर्ट्स कर पाते हैं या नहीं। अगर आप टिहरी डैम घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पे फूड ट्रक भी लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ स्टॉल्स भी हैं जहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं और अपनी छुट्टियों का मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे आके। यहाँ पे कुछ बोट्स हैं जिनमें आप वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय दोस्तों।